झटपट कुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी। ये सब्जी इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी बनती है कि आप अगर इसको पूरी पराठे के साथ खाना चाहें तो आपको और किसी भी सब्जी या अचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही इसमें बहुत से बेसिक मसाले पड़ेंगे और ऐसे मसाले पड़ेंगे जो गर्मी में आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी। सबसे पहले हम करौंदे को इस तरह से दो टुकड़े में काट लेंगे और काटने के बाद हमें इसके बीज अगर थोड़े कड़े हैं तो ये ऐसे निकाल देने होंगे। बीज को हम निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे बहुत से करौंदे के जो बीज होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो अगर हम उन्हें नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो हार्ड होते हैं उनको हमें निकाल देना होगा। देखिए इसको ऐसे करके हम निकाल देंगे। अब हमने करौंदे के बीज को निकाल दिया है, आप देख सकते हैं सारे करौंदे के बीज निकल गए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमने ये हरी मिर्च ली है इसको बीज से हमको एक सिंपल सा चीरा लगाना है, इसको अलग नहीं करना है, ऐसे करके हमको और इस हरी मिर्च में भी चीरा लगाते जाना है। अब इसके आगे का प्रोसेस जो हमें करना है वो हमारा एकदम जो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी तैयारी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बड़ा चम्मच जो है सरसों ले रखा है, यानी राई से अलग होता है सरसों। राई बहुत महीन होता है, ये मस्टर्ड यानी सरसों है, तो हमने ये मिक्सी में ले रखा है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें हमें और मसाले ऐड करने हैं क्योंकि सरसों बहुत कम है, तो मिक्सी में पीसेंगे तो अच्छे से ये पीसेगी नहीं। कभी भी सरसों अगर आपको पीसना है तो पहले उसको सूखा पीस लीजिएगा, अगर पानी डाल करके पीसेंगे तो वो नहीं पीसेगा, मिक्सी में केवल भून के रह जाएगा। यहाँ पर हमने एक बड़ा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी अंगूर पाउडर ले लिया है। अब यहाँ पर हमें जो मसाले ऐड करने हैं हम यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं। एक चम्मच करीब हमने धनिया ले लिया, ये चम्मच जो कि बहुत छोटा है, और आधा चम्मच हल्दी का, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च और नमक भी हम यहीं डाल ले रहे हैं। थोड़ा सा नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे और बहुत थोड़ा सा, एक चौथाई चम्मच, इतना छोटा चम्मच है उससे भी थोड़ा सा हमने जो है बिल्कुल एक चौथाई चम्मच लिया गरम मसाला। अब इनको हमें ड्राई ही पीस लेना है पहले ताकि सरसों का अच्छे से पाउडर बन जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से ये पाउडर बन चुका है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो हमने लहसुन, ये हमने एक बड़ा गांठ लहसुन का ले लिया है, इसमें लहसुन बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते क्योंकि बिना लहसुन के इसमें मज़ेदार टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर लहसुन डाल दिया और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फिर से पीस लेंगे ताकि जो हमारा लहसुन है वो भी इसमें अच्छे से पिस जाए। अब देख लेते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो मैंने जैसे बताया कि सरसों आप पहले ड्राई मसाले के साथ पीस लीजिएगा तब पानी डालिएगा, नहीं तो सरसों बिल्कुल पिसेगी नहीं और महीन नहीं होगा। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। और ये जो हमारा करौंदा है इसको, और जो ये हमारी हरी मिर्च है इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। हमें फ्राई नहीं करना है ना ही इसको पकाना है, बस हल्का सा सॉटे कर लेना है। इसको एक से डेढ़ मिनट तक बस इसको ऐसे ही भून लेना है तेल में। और यहाँ पर हमको थोड़ा सा नमक भी डालना है ताकि नमक इसके अंदर तक अच्छे से चला जाएगा। करौंदा है और मिर्च है, करौंदा खट्टा है, मिर्च मीठा है, तो इसे थोड़ा सा आम सब्जियों से नमक ज़्यादा लगता है, जो हम नॉर्मल सब्जियां बनाते हैं उसकी अपेक्षा से थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगेगा। हमने इसमें अंगूर भी डाला है क्योंकि हमें करौंदे कभी खट्टे होते हैं कभी नहीं होते हैं, और सरसों के जो मसाले होते हैं उसके साथ अंगूर एक अच्छा सा स्वाद देता है, तो हमें थोड़ा सा अंगूर जरूर डाला है। अगर करौंदा बहुत खट्टा है तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं या ज़्यादा खट्टा नहीं खाते तो, लेकिन अंगूर एक अच्छा टेस्ट देता है। तो अब आप देख सकते हैं ये करौंदे और ये मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे हैं, हमको इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये बिल्कुल गल जाएंगे। और यहाँ पर अब हम इनको निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे। अब हमको यहाँ पर मसाले भूनने हैं। यहाँ पर हमने एक चौथाई चम्मच हींग लिया हुआ है,
डाल देंगे, साथ में आधा चम्मच हमने जीरा ले रखा है। और अब यहाँ पर जो हमने मसाला पीस के रखा है वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो सरसों का मसाला है ये गर्मी में बहुत फायदा करता है, क्योंकि सरसों ठंडा मसाला माना जाता है, तो सरसों का मसाला अगर आप गर्मी में खाते हैं तो ये नुकसान नहीं करता। ये जो हमारा मिक्सी में मसाला रह गया हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको पानी डाल करके हम इसको भी इसमें मिला करके डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर ये सारे मसाले पानी के साथ डाल देंगे और इनको हमें भून लेना है। आंच को हमने मीडियम कर लिया है, मीडियम टू हाई रखेंगे और इनको हम भून लेंगे। थोड़े से लहसुन इसमें खड़े रह गए लेकिन वो बिल्कुल खराब नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी ये मसाले के साथ भून जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और डाल देंगे ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। बाकी हमने सारे मसाले डाल रखे हैं, नमक से लेकर के हल्दी और सारे मसाले हम डाल रखे हैं, तो बाकी मसालों की ज़रूरत नहीं है। हमने नमक दो बार डाल दिया है, बाद में एक बार टेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मसाला जब गाढ़ा होता है ना तो थोड़ा सा ये उड़ने लगता है, ऊपर आने लगता है, तो हम यहाँ पर इसको ढक्कन से ढक देंगे ताकि जो मसाले के छींटे हैं वो ढक्कन में ही आए। बीच बीच में मसाले को चलाते रहना, आप देख सकते हैं कि अब ये मसाला तेल छोड़ने लगा है, क्योंकि जो मस्टर्ड हमने डाला है, मस्टर्ड में भी ऑयल होता है और हमने ऑयल भी डाला है, तो अब ये बहुत अच्छे से तेल छोड़ देगा और इसको हमें अब भून लेना है। हम इसको जैसे नॉर्मल मसाले गरम मसाले भूनते हैं बिल्कुल उतना ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अलग होने लगा है, देखने में भी लग रहा है कि ये भून चुका है और भून ही चुका है, क्योंकि स्मेल भी आ रही है अच्छी सी। तो अब यहाँ पर मैं एक करौंदे को और जो हरी मिर्च है सॉटे करके रखा है इसको मैं मिक्स कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये सब्जी इतनी मज़ेदार होती है कि पूछिए मत। इसको आप बना करके हफ्ते भर तो आप इसको फ्रिज में बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं आराम से। इसको आप जब भी खाना हो, आप गर्म या ठंडा जैसे मन करे खा सकते हैं, और ये बिल्कुल अचार और सब्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसको खाने में। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। जल्दी तैयार होता है कि बस जो समय लगता है करौंदे को काटने और उसके बीज निकालने में लगता है, बाकी सब्जी को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर हम मुश्किल से 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि करौंदे और जो हमारी मिर्च है उसमें मसाला अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। आंच को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो नहीं करेंगे, मीडियम टू स्लो करेंगे और इसको पकने देंगे। बीच में इवन हम इसको खोल कर चला लेंगे। सब्जी लगभग तैयार है, एक बार और हम इसको बस 15 से 20 सेकंड के लिए रखेंगे। इसे खोल के देख लेते हैं, अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमें इसको गलाना नहीं है, बस तेज करके इसको हम एक मिनट तक और तेज करके भून लेंगे। एक मिनट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है, आप इस सब्जी का कलर देख सकते हैं। इस सब्जी को आप बनाइएगा, जो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आप ऐसा मस्टर्ड यूज़ करिएगा जो कड़वा ना हो, कई बार मस्टर्ड कड़वे होते हैं तो सब्जी अच्छी नहीं बनती। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमको सरसों को पहले पीस लेना है, सूखा पीस लेना है। अगर आप पानी डाल के पीसेंगे तो वो बिल्कुल भी महीन पेस्ट नहीं बनेगा। अब ये सब्जी तैयार है, तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो अलग से ऊपर आ जाएगा और देखने में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो अब हम इसको खोल करके देख लेते हैं, आप इसका कलर देख सकते हैं, सब्जी का कलर कितना टेस्टी बना है।
और ये सच में बहुत टेस्टी ही सब्जी बनी होगी, कलर भी बहुत मजेदार लग रहा है। आइए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।